সামনে ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে গিয়ে একদিন দেখবেন কত মানুষ, কত পেশেন্ট, কত কিডনির রোগী, কত আপনার ক্যান্সারের রোগী ইন্ডিয়ান ভিসার জন্য কষ্ট পাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই এই বিতর্ক আপনারা দেখে যাচ্ছেন। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी अब बात करेंगे, वेस्ट बंगाल मीडिया ने एक बड़ा सवाल जो है उठा दिया है। एक तरफ वेस्ट बंगाल में हर कोई बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो उगलता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो पूरे वेस्ट बंगाल की एक लीडर हैं, उन्होंने जी अपना ऐलान, अपना फ़ैसला सुना दिया है। ममता बनर्जी जी बांग्लादेशियों के सामने आके खड़ी हो गई हैं और उनका कहना है कि जिसको भी टकराना है वो मेरे से टकराए, बांग्लादेशियों पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। यहाँ पे पाबंदी लगाने की बजाय ममता बनर्जी ने एक अहम ऐलान कर दिया है और वो ये ऐलान ये है कि जो मेडिकल वीज़ास बांग्लादेशियों को दिए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी गई है। यहाँ पे जी बकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल कायम किया गया है ममता बनर्जी ने, जिसको बकायदा इनॉग्रेट करवाया है और बहुत जल्द आप लोग इस पोर्टल के थ्रू अपना मेडिकल वीज़ा अप्लाई करके जो वेस्ट बंगाल का विज़िट है आप वो कर सकेंगे। यहाँ पे जहाँ प्रोसेसिंग होने में कोई 1.5 महीना पहले लग जाता था, अब यही प्रोसेसिंग 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। आपको 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आप बकायदा वेस्ट बंगाल जा सकेंगे। अब यहाँ पे जी वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ तो बांग्लादेशी हमारे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत उगल रहे हैं तो ममता बनर्जी बांग्लादेशियों का साथ दे रही है और ये देखें ये बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं, और इसके बावजूद जो है ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए वीज़े बैन नहीं कर रही, बल्कि उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग जो है उसको आसान कर दिया गया है। वेल, अभी मैं आप लोगों के साथ ये वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूंगी। वेस्ट बंगाल मीडिया फुली भड़का हुआ है, फुली आग लगी हुई है कि ये आखिर चल क्या रहा है, ममता बनर्जी हमारी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग जो फैसला है वो क्यों नहीं कर रही। अब बांग्लादेशी उनको, ममता बनर्जी को खुद से अच्छी तरह पता है कि जो बांग्लादेशी टूरिस्ट हैं, भले ही वो मेडिकल टूरिस्ट हैं या दूसरे टूरिस्ट हैं, वो वेस्ट बंगाल में आते हैं तो उनकी इकॉनमी जो है उसी की वजह से चलती है। लेकिन ये चीज़ जो अदर मीडिया के लोग हैं वो ये चीज़ जानते हुए भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे, इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे कि बांग्लादेश हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बल्कि कॉन्टीन्यूसली जो नफ़रत की फ़जा है उसको गर्म किया जा रहा है। अभी आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करेंगे, ये रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलते हैं जी, देखते हैं अभी। ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে, ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে গিয়ে একদিন দেখবেন কত মানুষ, কত পেশেন্ট, কত কিডনির রোগী, কত আপনার ক্যান্সারের রোগী ইন্ডিয়ান ভিসার জন্য কষ্ট পাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই এই বিতর্ক আপনারা দেখে যাচ্ছেন, কিভাবে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের হারার পর গোটা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নাকি উৎসব শুরু হয়ে গেছে, অকাল ঈদ পালন করছে, কারণ কি ভারত হেরেছে, নিজেরা গ্রুপ লিগে ফুটে গেছে তাতে তাদের কোনো উৎসাহ নেই, ভারতকে হারাতে হবে, যেই ভারত হেরেছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে একদম উৎসবের মরশুম, অকাল ঈদ। কিন্তু যারা সত্যিকারের ঘটনা বোঝেন তারা কিন্তু বলছেন যে ভারত যদি চিকিৎসা বন্ধ করে দেয় ভারতে ঢোকার, বাংলায় ঢোকার, তাহলে কি হবে তোরা জানিস, বাংলাদেশের ব্লগাররা মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু
এই যে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে আর মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, এর পরেও কিন্তু একটা কারণ আছে। কারণ আমাদের বাংলায় যে দিদির রাজত্ব চলছে, দিদির হাত যতদিন এই বাংলাদেশিদের মাথায় আছে ততদিন যত খুশি ভারতকে গালাগাল দিয়ে যাও। আবার দিদি একটা কাণ্ড ঘটিয়েছেন এই বাংলাদেশ, এত কাণ্ডের পর যদি বাংলাদেশকে ভারত বয়কট করে দেয় কলকাতা বইমেলা থেকে, এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা এই ভারতের চিকিৎসার ভিসা যদি বাতিল করে দেয় তাহলে কি হতে পারে, সেটাও শুনিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশি ব্লগাররা। আমরা শুনে নেব বাংলাদেশি ব্লগাররা কি বলছেন, তারপরে আমরা দেখব যদি দিদির হাত মাথায় থাকে তাহলে যত খুশি ভারতকে গালাগাল দেওয়া যেতেই পারে। বাংলাদেশি এই ব্লগাররা কি বলছেন চলুন এক ঝলকে দেখেন। তুই যদি একদিন ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে গিয়ে দেখোস, ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে, ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে মুরব্বী মানুষ গিয়ে ফিঙ্গার দিচ্ছে, এই করতেছে সেই করতেছে, কেন একটা দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য, তার একটা আকুতি, আমি একটু ইন্ডিয়াতে গিয়ে ভালো চিকিৎসা নিয়ে আর দুই দিন বেঁচে থাকবো, একদিন বেঁচে থাকবো, আমাকে একটু এক ঘন্টা বেশি সময় বাঁচতে দেন। উপরওয়ালাকে বল আল্লাহ, যারা ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে, ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশন, ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে গিয়ে একদিন দেখবেন কত মানুষ, কত পেশেন্ট, কত কিডনির রুগী, কত আপনার ক্যান্সারের রুগী ইন্ডিয়ান ভিসার জন্য কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো পাকিস্তানকে ঘৃণা করি না, আমি পাকিস্তানকেও ভালোবাসি, আমি ইন্ডিয়াকেও ভালোবাসি, আমি বাংলাদেশকেও ভালোবাসি, আই লাভ মাই কান্ট্রি, আই লাভ মাই ল্যান্ড। না আমার কথা হচ্ছে আমরা একটা দেশের প্রতি এতটা বিদ্বেষী কেন, এতটা বিদ্বেষী কেন? পাকিস্তান তোদের এত ভালো লাগে ভাই, দিন শেষে আমাদের এই যে উপমহাদেশ, ভারতীয় উপমহাদেশকে তো শক্ত করতে হবে, আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো সবাই যদি আমরা একসাথে থাকি তাহলে এই যে ইউরোপ আমাদেরকে যে চাপ দেয়, আমেরিকা আমাদেরকে যে চাপ দেয় সেগুলো আমরা প্রতিহত করতে পারবো। আপনারা যারা ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপে হেরে যাওয়ার জন্য এত এত উল্লাস করতেছেন বাংলাদেশিরা, আপনাদের জন্য এই যে যারা রুগী আছে, ক্যান্সারের পেশেন্ট, টিউমারের পেশেন্ট, আপনার এই কিডনির পেশেন্ট, যারা ইন্ডিয়াতে চিকিৎসার জন্য যাবে তারা আপনাদের জন্য মরবে, 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 আপনাদের জন্য মরবে। আপনাদের ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ হেরে যাওয়ার জন্য আপনারা যে উল্লাস করতেছেন, ইন্ডিয়ার সাথে আপনারা যে বিদ্বেষটা দেখাচ্ছেন, আগে আমরা ইন্ডিয়ান ভিসা পাইতাম মাত্র দুই দিনে, আজকে জমা দিছি, কালকে একদিন বাদে পরশু আমরা ভিসা পেয়ে গেছি, পরের দিন চাইলে আমি ইন্ডিয়া যেতে পারি, এখন আর যেতে পারি না কেন, আপনাদের এই বিদ্বেষের কারণে। তবে ওই যে প্রথমেই যেটা বলে শুরু করেছিলাম আজকের প্রতিবেদনে, যেটা আমি আপনাদের শোনাতে চাই, দিদির হাত যদি বাংলাদেশিদের মাথায় থাকে তাহলে ভারতকে যত খুশি গালাগাল দেওয়া যায় সারা দিন ধরে। কি করেছেন দিদি? আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবার ঠিক করেছেন যে বাংলাদেশ থেকে যারা চিকিৎসা করাতে আসে তারা যাতে মেডিকেল ভিসা তাড়াতাড়ি পায়, মাত্র দুদিনের মধ্যে পায়, সেজন্য একটা নতুন করে পোর্টাল খোলা হবে। এত কাণ্ডের পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে বাংলাদেশিদের মেডিকেল ভিসা করা দেওয়ার জন্য একটি পোর্টাল খুলবে এবং সেখানে দুদিনের মধ্যে তাদেরকে মেডিকেল ভিসা দেওয়া হবে। বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীরা যাতে সহজে ভিসা পায় এবং বাংলাদেশ থেকে এই কলকাতায় চিকিৎসা করতে আসতে পারে তার জন্য বিশেষ পোর্টাল তৈরি করছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। এখন ভারত সরকারের নির্দেশে কম বেশি প্রায় দেড় মাস লাগে, সময় লাগে মেডিকেল ভিসা পেতে, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই সময়টা কমিয়ে মাত্র দুদিনে করার চেষ্টা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর। जी अगर रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है यहाँ पे, जी आप लोगों ने देखा है कि वेस्ट बंगाल का मीडिया ममता बनर्जी के इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी भड़का हुआ है कि आखिर क्यों बांग्लादेशियों को इतनी सुविधा दी जा रही है, उनके लिए वीज़ास को इतना आसान क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे जी जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने नफ़रत दिखाई है और इस नफ़रत का नतीजा तो ये निकलना चाहिए था कि उनके वीज़ा उसको बिल्कुल बैन कर दिया जाता, उनकी एंट्री को बिल्कुल बैन किया जाता, लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के सामने खड़ी हो के उनकी जो धार है वो बन गई हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान को जो मर्ज़ी कहो लेकिन बांग्लादेशियों को कोई कुछ ना कहे तो हम पूरी तरह बांग्लादेशियों को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी बांग्लादेशियों का जो गुस्सा है वो भी सामने आ रहा है, जैसे कि बांग्लादेशी कह रहे हैं कि यार US जाओ, कहीं भी जाओ ठीक है, लेकिन इंडिया में जैसे मैचेस हुए और इंडिया में जो फैंस मौजूद थे बांग्लादेशियों के साथ कितनी बदतमीज़ी की गई, पाकिस्तानी फैंस को किस तरह जो है ठीक है इंसल्ट किया गया और
ऐसे में इन्होंने कहा है कि यार पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ हमारी जो है ना इंडिया से ज़्यादा इज्जत है। तो ये चीज़, और हर तरफ जो है इस तरह की वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंडिया को उस चीज़ को देखना चाहिए कि आखिर आप लोग, कोई आपकी कंट्री के अंदर आता है तो उसको वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते, वो इज़्ज़त क्यों नहीं देते कि वो आपको भी वापस इज़्ज़त दे। तो जाहिर सी बात है आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको वापस इज़्ज़त देगा। लाइक यहाँ पे आप किसी को गाली देंगे या किसी की बेइज्जती करेंगे तो वो बदले में आपको हार तो नहीं डालेगा ना। तो ये चीज़ जो है ना, चीज़ समझने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल मीडिया जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे तो क्या ही बात है, लेकिन अभी जो फ़जा चल रही है बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोग लास्ट में लाइक करें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक करें, वीडियो को लास्ट में शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर।